आज परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया धनुष के पास में पहुंच जाते हैं और धनुष को नमन किया। आज परीक्षित महाराज धनुष के दो खंड कर दिए और आज मामा कंस के पास में पहुंच जाते हैं और मामा कंस को गद्दी से नीचे गिरा लिया। परीक्षित महाराज गद्दी से जब नीचे गिराया है तो केसों को पकड़ लिया। भोजराज कंस ने कहा, लाला मेरे केस को छोड़ दे, मेरे केसों में दर्द हो रहा है, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा, मामा तुम्हें एहसास हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है कि बालों में भी दर्द होता है? याद करो मामा उस दिन की, जिस दिन तुमने मेरी माँ के केसों को पकड़ कर रस्से नीचे गिरा लिया। आज भगवान कन्हैया ने परीक्षित महाराज अपने मामा कंस को नीचे गिरा लिया। आज युद्ध हो रहा है परीक्षित महाराज। भोजराज कंस समझ जाता है कि जिसने ये धनुष तोड़ दिया आज तो मैं बचने वाला नहीं। कहते हैं परीक्षित महाराज मरता तो क्या नहीं करता। भोजराज कंस ने म्यान से तलवार खींच ली। भगवान कन्हैया नियते हाथ हैं, केसों को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया भोजराज कंस में युद्ध हो रहा है। आज जब युद्ध हो रहा है परीक्षित महाराज, तो युद्ध करते करते परीक्षित महाराज आज भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस को नीचे जमीन पर गिरा दिया। आज भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस को नीचे जमीन पर गिरा लिया और ऊपर बैठ जाते। जय हो, अब घोड़ी की कमी रह गई है। लगाए लो कचू। आज परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस को नीचे जमीन पर गिरा लिया, ऊपर बैठ जाते हैं। मामा याद करो, तुमने हमारे माता पिता को कितनी तकलीफ दी है और हमारे नाना, ये काम तो मुझे जन्म लेने पर करना था लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि ब्रज में मुझे लीलाएं भी करनी थी। आ जाओ कन्हैया जी, पहुंचो उधर। और ये कमेटी में जितने भैया हैं, इन बच्चों को दूर करें सबको। एरे जगाइयो, टट्टी चोनियो। पहुंचो दिलीप चाचा जी। सभी एक साथ हो जाए। बच्चों को अलग करो, इनको सभी को। कंस आ रहा है वो। वो कन्हैया ये सॉरी। वहीं पहुंच।